अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मई जहांआरास किचन। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सबके साथ एक बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे अपने घर पर, बहुत ही लजीज बनेगा और 100% बहुत ही लाजवाब आपका बिरयानी बनकर तैयार होगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक बिरयानी की रेसिपी। एक बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज को पतले शेप में कट करके उसे मैंने स्टोव पर रखा है डीप फ्राई के लिए, ताकि हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर इसे कर दें, यानी इसे थोड़ा सा हमें तल लेना है। तो जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो आप देख सकते हैं अब हमारा प्याज जो है गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, तली हो चुका है। तो चलिए मैं इसे तेल से छान कर निकाल लेती हूँ। इस प्याज से मैं कोरमे में थोड़ा तला हुआ प्याज डालूँगी और थोड़ा सा मैं दम पर रखते हुए बिरयानी पर डालूंगी। तो चलिए मैं इसे तेल से छान कर निकाल लेती हूँ। इसी के साथ हमें यहाँ पर 6 अंडे को भी उबाल लेना है। तो मैंने अंडे को भी पहले से उबाल कर रखा हुआ है। अब मैं इसका छिलका उतार लेती हूँ। छिलका उतारने के बाद हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा कट लगा लेंगे, ताकि हम जब इसे कोरमा में पकाएंगे तो मसाला जो है अच्छी तरह से इसके अंदर ऑब्जॉर्व हो जाए। तो इसे हम हल्का हल्का सा कट लगा लेंगे। तो मैंने अंडे में भी कट लगा लिया है। अब हम चलते हैं गैस स्टोव की तरफ। सबसे पहले हमें क्या करना है, कोरमा बनाना है। कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल रखी हूँ। तो ये तेल के गर्म होते ही मैं यहाँ पर अंडे को डाल लेती हूँ और हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अंडे को तल कर निकालेंगे। ज़्यादा हमें एक को फ्राई नहीं करना है। अगर हम ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो क्या है ना, वो पकेगा, फिर उसके बाद दम होगा तो ऊपर का स्किन जो होता है वो ज़रा सा हार्ड हो जाता है, खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए अंडे को हल्का सा लाल कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसका हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसे छान कर तेल से निकाल लेती हूँ। इसी के साथ मैं यहाँ पर आलू को भी डाल लेती हूँ। बड़े टुकड़ों में मैंने यहाँ पर 2 से 3 बड़े साइज़ के आलू को इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। इसे मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ और आलू को हम अच्छा लाल होने तक तलेंगे, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और उसके साथ ही ये थोड़ा सा इसके ऊपर का स्किन जो है क्रिस्पी हो जाए। तो हम आलू को अच्छी तरह से तेल में तल लेते हैं। मैं यहाँ पर बिरयानी में आलू डाल रही हूँ। आप चाहें तो आलू डालें या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा आलू का कलर जो है चेंज हो चुका है। तो चलिए मैं इसे तेल से छान कर निकाल लेती हूँ। अब मैं इसी तेल में और थोड़ा सा तेल डाल लेती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर कोरमा बनाना है। तो यहाँ पर मैं और 6 से 7 चम्मच के करीब तेल डाल लेती हूँ। तो हमारा जब तेल गर्म हो जाएगा हम यहाँ पर कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ खड़े मसाले डाल लेते हैं। तेल गर्म हो चुका है। खड़े मसालों में हमें चाहिए 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 जायत्री, उसके साथ हमें यहाँ पर 6 से 7 काली मिर्च चाहिए, 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ, तो और उसके साथ यहाँ पर हमें 2 हरी मिर्च चाहिए। तो चलिए अब हम इसे यहाँ पर डाल लेते हैं। 6 से 7 सेकेंड के लिए हम सारे खड़े मसालों को तेल में भून लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर प्याज ऐड करूँगी। 6 से 7 सेकंड के बाद अब मैं यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ के प्याज को बड़े टुकड़ों में कट कर ली हूँ, उसे मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ। और प्याज को हम खड़े मसालों के साथ हल्का सा भून लेंगे, जब तक प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेती हूँ। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें भुनना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चा टेस्ट जो है वो निकल जाए। स्टोव का फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम टू लो पर ही रखना है। 2 से 3 मिनट के बाद अब मैं यहाँ पर पाउडर मसाले डाल लेती हूँ। पाउडर मसालों में हमें चाहिए 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो अब हमें क्या करना है, सारे पाउडर मसालों को हम भुनेंगे बिना पानी डाले। हमें 1 मिनट के लिए इसे भुनना है। 1 मिनट के बाद अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ और मसाले को हम तब तक पकाएंगे, भुनेंगे, जब तक मसालों से तेल ना छोड़ना स्टार्ट हो जाए। तो इसी तरह से हम स्टोव के लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसाले को भून लेते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद अब मैं यहाँ पर तला हुआ आलू डाल लेती हूँ। तले हुए आलू को हम मसाले के साथ भुनेंगे अच्छी तरह से। स्टोव का लो फ्लेम पर हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए आलू को मसाले के साथ पकाना है। तो चलिए कढ़ाई को मैं लीड से कवर कर लेती हूँ और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसी तरह से इसे छोड़ देते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं सारे मसाले से भी तेल छोड़ना स्टार्ट हो चुका है और आलू भी अच्छी तरह से पक चुका है। पक चुका है मतलब यहाँ पर 50% पक चुका है और 50% हम ग्रेवी के साथ इसे पकाएंगे।
अब मैं यहाँ पर एक छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर डाल लेती हूँ, आधी चम्मच के करीब नमक। नमक अगर हम स्टार्टिंग में डाल देंगे तो आलू गलने में टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 50% आलू पकने के बाद यहाँ पर मैंने नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर एक गिलास के करीब पानी डाल लेती हूँ, और अब मैं यहाँ पर तला हुआ एक जो हमने तल कर रखा हुआ है उसे भी मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं सारे चीज़ों को, और स्टोव के मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारा आलू जो है अच्छी तरह से गल जाए और साथ ही हमारा जितना मसाला है वो अच्छी तरह से अंडे के अंदर अब्सॉर्ब हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद अब मैं यहाँ पर एक चम्मच के करीब दही डाल लेती हूँ। दही डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो चलिए और हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए इसे स्टोव के लो फ्लेम पर पका लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अंडा आलू कोरमा बिल्कुल बनकर तैयार है। 10 से 15 मिनट के करीब टाइम लगता है कोरमा बनाने में, तो मैंने पहले ही स्टोव को ऑफ़ कर दिया था और आलू भी आप देख सकते हैं अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं यहाँ पर तला हुआ प्याज डाल लेती हूँ इसी के साथ यहाँ पर हरी धनिया और पुदीने के पत्ते भी यहाँ पर डाल लेती हूँ और इसे मैं मिला लूँगी अच्छी तरह से। अब मैं कढ़ाई को लीड से कवर कर लेती हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं, चावल को बॉयल कर लेते हैं ताकि हम बिरयानी को दम कर सकें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर स्टोव के हाई फ्लेम पर एक बड़ा सा तसला रखा है, जहाँ यहाँ पर मैं 700 ग्राम चावल को बॉईल करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 लीटर के करीब पानी डाल लिया है। अब मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच के करीब नमक डाल लेती हूँ, उसी के साथ यहाँ पर 2 चम्मच के करीब तेल। तेल डालने से हमारा चावल जो है पकने के बाद भी खिला खिला रहेगा। तो चलिए अब मैं क्या करती हूँ, इसे लीड से कवर कर लेती हूँ, ढक देती हूँ तसले को ताकि पानी अच्छी तरह से खौलेगा, उसके बाद हम यहाँ पर चावल ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम बासमती चावल को 1 घंटे पहले से पानी में भिगो कर रखा हुआ है, पानी से साफ करके उसे मैंने पानी में भिगो कर रखा है। चावल के अंदर आपको काली मिर्च दिख रहा होगा, वो इसलिए मैंने चावल को सेव करने के लिए चावल के कंटेनर में मैंने कुछ काली मिर्च को डाला हुआ है। इससे क्या है, हमारे चावल में कीड़े लगेंगे नहीं और ना ही चींटियाँ लगेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर काली मिर्च आपको दिख रहा होगा। तो अब हम इंतज़ार करते हैं पानी के खौलने का। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पानी अच्छी तरह से खौलने लगा है। अब मैं यहाँ पर चावल को शामिल कर लेती हूँ। चावल को हमें 70% तक पकाना है। जब हमारा चावल 70% पक जाएगा हम पानी से इसे छान लेंगे। स्टोव के हाई फ्लेम पर हम इसे चम्मच इस तरह से चलाते रहेंगे। 5 से 10 मिनट के अंदर हमारा चावल भी आप देख सकते हैं 70% कुक हो चुका है, पक गया है। अब मैं इसे पानी से छान लेती हूँ। बिरयानी हमेशा हैवी बटम वाले बर्तन पर ही बनाएं, उससे दम अच्छी तरह से हो पाता है। तो उसी पैन पर मैंने, आप उसी तसले पर आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा चावल रखा और थोड़ा सा चावल जो है मैंने छलनी पर निकाल लिया है, क्योंकि हम कोरमे के ऊपर भी चावल को थोड़ा सा फैलाएंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा चावल निकाल लिया है। अब मैं इस चावल पर सारा कोरमा जो है यहाँ पर डाल लेती हूँ। अब मैं कोरमे के ऊपर थोड़ा सा तला हुआ प्याज और पुदीना डाल लेती हूँ। इसी के साथ थोड़ा सा हमें गर्म मसाला पाउडर भी डाल लेना है। अब यहाँ पर मैं बाकी का बचा हुआ चावल उसे डाल लेती हूँ। चावल को हम अच्छी तरह से फैला लेंगे चारों तरफ। अब मैं यहाँ पर तला हुआ प्याज, उसी तरह से पुदीना थोड़ा सा डाल लेती हूँ और साथ ही थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर। अब मैंने यहाँ पर एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा दूध और केसर और एक छोटी चम्मच केवड़ा वाटर मिक्स करके रखा हुआ था, उसे मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ फैला कर। और सबसे आखिर में मैं यहाँ पर 6 से 7 चम्मच के करीब तेल डाल लेती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं। हमने जहाँ पर प्याज को लाल किया था वो बचा हुआ तेल है, तो उसी तेल को मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ। अब मैं तसले को लीड से कवर कर लेती हूँ। स्टोव के लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे दम पर रख लेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हमारा दम बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट के बाद मैंने स्टोव को ऑफ़ कर लिया है और हमारा अंडा आलू बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं कितना चावल हमारा खिला खिला है। इसी तरह से मैं इसे और 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि अच्छी तरह से अपने अंदर बिरयानी का जो खुशबू है अच्छी तरह से चावल अपने अंदर समा ले, तो उसके बाद मैं इसे सर्व करूँगी। तो इसे हम इसी तरह से छोड़ देते हैं।
तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अंडा बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार की बिरयानी बनती है और आप देख सकते हैं इसका एक एक चावल जो है किस तरह से खिला हुआ है, क्योंकि हमने चावल को जब बॉईल किया तो उसके अंदर मैंने उस पानी में मैंने 2 चम्मच के करीब तेल डाला हुआ है। तेल डालने से चावल हमारा इस तरह से खिला खिला रहेगा और साथ ही हमने दम करते वक्त भी ऊपर तेल डाला था चावल में, तो इसलिए हमारा चावल इस तरह से खिला हुआ बना है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अंडा बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार है। मैंने बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बताया है आप लोगों को बनाना, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। इस बिरयानी की खुशबू से आपका घर जो है महक उठेगा। तो बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा आखिर आपकी बिरयानी कैसी बनी। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।